रुक जाएगा। तो यहाँ पे टशन में उतरने के चक्कर में शीशा टूट गया, ये गया, देखो टूट गया, दोबारा लगेगा नहीं, यहाँ पे शीशा टूट गया हमारा। खैर कोई बात नहीं, अभी जो हम बात कर रहे थे बात ये होती है बुलेट के साइलेंसर की बात चल रही थी। मतलब बाइक का कोई भी साइलेंसर बहुत गर्म होता है, पर बुलेट बाइक का साइलेंसर आग उगलता है, सच में आग उगलता है, बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है। तो क्या इस साइलेंसर पर हम खाना बना सकते हैं? अब हमारे यहाँ पे दिल्ली NCR में बहुत ज्यादा फेमस है चाप और पनीर टिक्का, वो आज हम बनाने की कोशिश करेंगे। और जो लोग सोच रहे हैं नॉनवेज बनने वाला है, भाई मैं जीव हत्या के बहुत खिलाफ हूँ, किसी एक मासूम को अगर आप मरता हुआ देखने आए थे तो भाई वीडियो छोड़ दो, मत देखो, मासूम यहाँ पे नहीं बनने वाला, यहाँ पे चाप और पनीर टिक्का बनने वाला, देखते हैं ऐसा होगा या नहीं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे एल्यूमिनियम फॉइल लगाएंगे। अगर मैं डायरेक्ट लगा दूंगा तो क्या रहेगा, ये गंदा है और बहुत ज्यादा से धूल भी जाती है तो खराब हो जाएगा। तो जो भी हम पनीर लगाएंगे पहले यहाँ पे एल्यूमिनियम फॉइल लगाएंगे, फिर पनीर और चाप इस पर रैप करेंगे, फिर उसको दोबारा बांधेंगे। चलो करते फिर देखना। ये सब क्या देखना पड़ रहा है, अच्छा है मैं अंधा हूँ। तो यहाँ पे आ गया अपना देसी घी, और इधर है यहाँ पे प्लेट में हमारी ये रही चाप, और इधर है पनीर। अब इन सबको यहाँ पे सब्जी भी है, पूरा टिक्का बनाएंगे, शिमला मिर्च, प्याज, टमाटर, बाद में नींबू भी डालेंगे, और देखेंगे क्या स्वाद आने वाला है। ठीक है, यहाँ पे स्लाइस ये रहा, ऐसा ऐसा यहाँ पूरा यूँ टिक जाएगा ना, बढ़िया सीख जाएगा, फिर कट के निकलेगी। तो प्याज कट गई, अब आएगा नंबर टमाटर का, तो टमाटर के पहले यहाँ पे ये चाप का एक पीस आ गया, ये पनीर आया, चाप अब ऊपर की तरफ तो लगा दिया, अब मैं लगा रहा हूँ नीचे, क्योंकि साइलेंसर तो पूरा ही गर्म होगा ना, तो पूरी गैस का फायदा उठाएंगे। यहाँ पे ऐसे रख ले, इधर प्याज फिट करके कर दे रहा, अब घी रहेगा, घी रहेगा, और ये रहा हमारा घी, अब नीचे भी घी लगा दिया, अब इसको कर रहे पूरा रैप, कर दे रहे। तो टमाटर हमारा रह गया लगाना, चलो इतने पे टेस्ट कर लेते हैं, टमाटर को टेस्ट कर लेते हैं, तार कहाँ है, हो गया पूरा, चाप भी आ गई हमारा, पनीर भी आ गया, अब इसको बाइक को घुमाना है, साइलेंसर को करना है गरम, और तब देखते हैं हमारा टिक्का कैसा बनेगा। अब चलते हैं सीधा बाइक को लेके और साइलेंसर को करते हैं गरम, तभी तो हमारे टिक्के बन के तैयार होंगे। अच्छा खासा लंबा घुमा के लाए हैं बाइक को, 8 से 10 किलोमीटर हमने बाइक घुमा दी, कभी यहाँ कभी वहाँ, बहुत लंबा खींच तार के भगाई भी है, मंदी भी चलाई है, रेस भी दी है, तो साइलेंसर पूरा गर्म हो गया होगा। ये देखो मैं यहाँ पे हाथ लेके आया हूँ, अभी टच भी नहीं करा और मुझे हीट फील हो रही है यहाँ पे। तो जो हमने खाने की चीज़ें यहाँ पे लगाई हैं वो बढ़िया सीख गई होगी, ऐसी हम उम्मीद कर रहे हैं। अब खोल के देखते हैं क्या हुआ उनका। तो खाने का टाइम आ गया, नींबू तो मैं जेब में लेके घूम रहा हूँ कि डायरेक्ट काटा और निचोड़ के तुरंत टेस्ट कर लेंगे। तो बैठते हैं यहाँ पे और देखते हैं क्या हाल है अंदर का, तार भी खराब हो रहा है। अब देखो बिल्कुल लास्ट का पॉइंट, ओहो ये देखो पनीर का पानी निकल गया, पनीर में पानी रहता ना तो ये पानी आ रहा है। अब बिल्कुल लास्ट का पॉइंट आ चुका है, चाप आने वाली है, पनीर आने वाला है, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, एक नई अटपटी वीडियो हो रही है, कर दिया सब्सक्राइब, चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसको खोलना शुरू करते हैं, ये देखो क्या सीखा है यार, स्मेल तो आ रही है, देखो प्याज का अगर आप रंग देखोगे तो प्याज भी आपको दिख रही होगी कि प्याज हल्की हल्की भुन चुकी है, और चाप अगर देखें हम, चाप सिकी है या नहीं ये भी पता चलेगा जब ये वाला फॉइल हटेगा, ये देखो हल्की हल्की सिकी है यहाँ पे, ये देखो अब पता नहीं कैमरे में दिख रहा नहीं दिख रहा क्योंकि गैस तो है नहीं, बाइक पर इतनी सिकेगी, ये देखो हल्का सा क्रिस्पीनेस यहाँ पे हल्का हल्का फील हो रहा है मुझे इधर की तरफ, और अगर निकाल लें ये देखो पनीर, पनीर में पानी था, पनीर ने पानी, ओह है ये देखो, उठा के जब उठा रहा हूँ ना तो फील हो रहा है यहाँ पे टेक्सचर सा, एक इसका टेस्ट, मुँह में पानी आ गया, हल्का हल्का सिका हुआ फील हो रहा है, मसाले तो है नहीं, खाली नींबू डाल के अभी टेस्ट कर लेते हैं, नींबू में रस भी नहीं आ रहा ढंग से, चाप तो सीख गई सही,
चाप में पानी नहीं था ना, पनीर में पानी था, पनीर ने पानी छोड़ दिया। अब प्याज हमारी, प्याज का टेस्ट देखो। प्याज भी सीखी है, मतलब जैसे तंदूर रहता है, तंदूर तो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर रहता है उतना नहीं, पर हाँ काम चलाऊ काम सा हो गया। यहाँ देखो प्याज का तो आपको कलर देख के भी समझ आ रहा होगा, प्याज सीख चुकी है। यहाँ पे देख रहे हो प्याज पहले कैसी थी और अब कैसी थी, गरम है भाई, खा ले पूरी है गरम गरम। चलो खाना तो चलता ही रहेगा, वीडियो पे आते हैं। खाने में इतना मन लग गया, वीडियो का ध्यान रहा कि वीडियो बननी, मैं तो खाने में लग गया, खाया बीच साइड खाया, पेड़ उग जाएगा, मैं पेट में ही पेड़ उग जाएगा। क्यों कह रहा है इतना? A few moments later. अब यहाँ पे ये तो हमें पता चल गया कि बाइक का साइलेंसर इतना ज्यादा गर्म होता है कि वो खाने को भी सेक सकता है, बट उतना नहीं सेक सकता क्योंकि इसका टेम्परेचर 150 से 200 डिग्री सेल्सियस जाता होगा, वो अपने आप में बहुत ज्यादा होता है। बट जब हम खाना गैस पे बनाते हैं तो उसमें 400 डिग्री पे, और जब भट्टी में जाता है 500 डिग्री, 400-500 डिग्री पे डबलता है, यानी डबल टेम्परेचर हो जाता है। बट यहाँ पे 200 डिग्री के आसपास टेम्परेचर रहा, तो 200 डिग्री पे जितना बन सकता था उतना हमने बनाया और अच्छा भी लगा। एक यूनिक चीज हमने ट्राई करी कि बाइक के साइलेंसर से ऐसा खाना बन सकता है या नहीं बन सकता। खैर थोड़ा कच्चा पक्का जैसा भी बोला बन गया। पर अब आप लोग बताओ, आप लोगों को अगर मजा आया वीडियो में, कुछ एकदम हट के देखने के लिए मिला है ना, तो वीडियो को लाइक जरूर से कर देना, चैनल को कर लो सब्सक्राइब। हम मिलेंगे अब दोबारा नई वीडियो में कुछ ऐसी नया अटपटा अतरंगी सा करते हुए, तब तक के लिए जोर से बोलो जय श्री राम।